Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you will be very good. In this video, I will explain that how can you check dashboard of our Android phone. अगर आपके घर में दो तीन फोन है, आपकी फैमिली में फोन यूज होता है, आपके बच्चे भी आपका फोन यूज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन का डैशबोर्ड चेक कर सकते हो। अगर आपका बच्चा आपका फोन इस्तेमाल करता है तो आप चेक कर पाओगे कि हमारा बच्चा कितनी देर हमारे फोन को इस्तेमाल करता है, फोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है, कौन सा एप्लीकेशन ज्यादातर यूज करता है, कितनी देर मोबाइल पर एक्टिव रहता है। आप अपना भी चेक कर सकते हो कि हमने आज मोबाइल कितना देर तक यूज किया, कल कितनी देर तक यूज किया था, कल से आज कितना मैनेज किया है, कम है या फिर ज्यादा है, कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर तक यूज किया, सारा कुछ जानकारी बायोडाटा डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, जिससे आप अपने बच्चे को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना भी कंट्रोल कर सकते हो, एक्टिविटी फोन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। एक स्मॉल रिक्वेस्ट, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, लेट्स गो। दोस्तों, आपको जो भी फोन का डैशबोर्ड चेक करना है, सिंपल सा वो मोबाइल आपको ले लेना है। मोबाइल लेके आपको क्या करना है, सिंपल सा होम स्क्रीन पे चले जाना है, वहां पे आपको सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर होगा सर्च बार का ऑप्शन, जहां पर आप सेटिंग में सर्च कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऊपर में सर्च करना है क्या, डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जैसे आप सर्च करोगे नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड, अगर अवेलेबल होगा तो। काफी सारे फोन में डैशबोर्ड नहीं होता है, तो वहां पे आपको क्या सर्च करना है, स्क्रीन टाइम, SCREENTIME, स्क्रीन टाइम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे में डैशबोर्ड है, आपको नहीं मिलता है तो स्क्रीन टाइम सर्च करना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड फोन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आज मेरा फोन जो है 2 घंटे 6 मिनट एक्टिव रहा हूँ मैं फोन पे, ठीक है, अभी तक का। ये अभी कितने बज रहे हैं, 11:16 हो रहे हैं, ठीक है। इतनी देर में मतलब 2 घंटे 6 मिनट मैंने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे गूगल, फेसबुक, YT स्टूडियो, सेटिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लाइट, बहुत सारा ऐप हमने यूज किया है। अब यहाँ पे आप कल का भी एक्टिविटी चेक कर सकते हो कि कल हमारा फोन कितना देर यूज हुआ था। कल का चेक करने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है मंडे 15 अप्रैल, यानी कि आज की डेट लिखी हुई है। यहाँ पे बैक करोगे तो 14 अप्रैल का यहाँ पे देखिएगा, कल का मेरा जो है 7 घंटे 19 मिनट कल मैंने ये फोन यूज किया था। ज्यादातर मैंने यूज किया था YT स्टूडियो, जहाँ पे 2 घंटे 9 मिनट मैंने YT स्टूडियो ओपन किया था। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों का कंट्रोलिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ऐप हो, जितना भी है, YT स्टूडियो, गूगल, VN, यूट्यूब, MMX प्लेयर, इंस्टाग्राम, जो भी मैं यूज करता हूँ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके बच्चे जो भी यूज करते होंगे यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप पीछे का पूरा देख सकते हो, ठीक है, जितना भी होगा, आप जितना यूज करते जाओगे यहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। इसको मैनेजमेंट करने के लिए आप बच्चों को रोक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना भी जो भी एप्लीकेशन यूज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा। अगर मान लीजिए कोई ऐप उन्होंने डिलीट भी कर दिया तो भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि दिन भर में कितना यहाँ पे अभी तक इतना हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा पूरा यहाँ पे मतलब लास्ट 12 बजे तक का भी दिखाएगा कितना फोन आपने दिन भर में एक्टिव यूज किया है। तो आई होप्स कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे मोबाइल फोन का डैशबोर्ड चेक होता है। यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो, दिन भर का एक्टिविटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोबाइल फोन का डैशबोर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो काफी लोगों तक शेयर करें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।